He's from village area, no? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. कान बंद है तो मेरे को पता नहीं पड़ रहा आवाज कितनी आ रही, बट आज हम आए हैं बाना हिल्स में. आज वियतनाम टूर चल रहा है, दानांग के बाना हिल्स में आए हम, और अभी हम लोग यहाँ से टिकट ले रहे हैं. आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन लेने के लिए, बट हमने सोचा यार यहीं आके ले लेंगे, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे सेम ही है. तो यहाँ से टिकट लेके सबसे पहले केबल का कार से हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर देखते चलो. टिकट खरीद लिया हमने, टिकट 900,000 वियतनामीज़ डोंग लगा, इसमें से एंट्री वगैरह केबल कार वो सब फ्री है. देखते कुछ अगर कुछ अलग निकला तो बताते हैं. तो सुंदर दिख रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा जी भाड़ गर्मी, बट नाइस, सुंदर सुंदर सुंदर. ये वॉल वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर बना रखा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है. और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे केबल कार में. Oh my God! Thank you. नहीं लगता इस पे. केबल कार से हम जा रहे हैं ऊपर. बहुत सही एक्सपीरियंस है. अच्छा ये निकल लेती है बिना रुके. और क्या? फिर आता दूसरे में. बहुत तेज जा रही है वहां से. दनन दनन जा रही है. देख यहाँ से तेज होगी एकदम. ओ, 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 ओ. सेट स्ट्रेट बना लो एक और उसको टैग कर देना, है ना? और अब बेहतरीन और इसकी वाक. और अब आप पर म्यूट करके डालना. वाह यार गजब. 15 मिनट का बोल रहे थे यार, ये तो जल्दी पहुंचा देगी लग रहा. तुम एक बार वापस नीचे होके आ जाना ना, भैया गिर जाएगा. और यहाँ पीछे का नजारा देखो गाइस, नजारा दिखाऊंगा भाई, अति सुंदर. यार ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए यार. ये कहाँ पे हमारे देखते तो साला मेरा पहाड़ वहाड़ आराम से घूम. अर से आके ये वाला जो देखा होगा ब्रिज, साला नाम तो पता ही नहीं मेरे को इस चीज़ का, हथौड़ा वाला हाथ का वाला ब्रिज छोटा. और मेरे को क्या डर ये था कि बहुत गर्मी होगी, बट क्या प्यारा मौसम लग रहा है यार. ऊपर इतनी हाइट पे है ना तो बहुत ही ठंडा लग रहा है. इसको यार ठंड लगती है, जैकेट लेके आ जाना. बहुत ही सुंदर है, नाइस. नीचे से आए हम लोग ऊपर, बहुत ही गजब. और अच्छी चीज ये है कि भीड़ भी नहीं इतनी, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कचड़ा ही कचड़ा होता है यार. एकदम तो मस्त. नाइस. व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर इन वियतनाम. ये क्या कर रहा है? व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू. इसको लग रहा बहुत कूल है, गाड़ी बुला देगी. पांच लाख फोटो लेने के बाद थोड़ा आगे निकल रहा है. अच्छा यार काफी अच्छा एक्सपीरियंस. और मौसम इतना मस्त लग रहा है ना यहाँ पे. उनका तो फोटोशूट चल रहा है, मेरा एक दो एक फोटो अच्छा आ गया तो मैंने हट गया. ऐसा दिखता है वो हाथ, मतलब इसमें ऐसा लगा कि हाथ के ऊपर ब्रिज उनने पकड़ रखा है. ये उसका अंगूठा और चार उंगली. अब किसका हाथ है, इसकी इतनी हिस्ट्री में तो अपन घुसे नहीं है.
ये क्या है, हाथ का क्या ऑब्सेशन है यहाँ पर, मतलब ये किस चीज की। अच्छा बना है अभी, बढ़िया डिटेलिंग वगैरह अच्छी। ओह ये पैर है, नाइस सुंदर एकदम कलरफुल है। स्टाइल लेके आना, फुल डे भी कम पड़ेगा यहाँ पे। हाँ तभी हम लोग सेकेंड ईयर, हमारा गार्डन है, पहले तो हमने वो हाथ वाला दिखाया था, उसको क्या बोलते हैं हाथ वाले को, है पकड़ू सारा कुछ भगवान निकले इनके ना, तो फिर तो सीईओ बने का तो कैंसिल हो जाएगा। और आप देखो यार कितनी कलर थिंग्स मेंटेन। ये हमारा हो गया है, अब हम अगली जगह जा रहे हैं। ये बात कर रहे थे कि यार वियतनाम में करेंसी इतनी वीक है, बट फिर भी सब कुछ महंगा लग रहा था। महंगा है थोड़ा, तो हम लोग एक्चुअली ना खाना वाना सब ज़्यादातर इंडियन खा रहे, तो वो सब महंगा ही होता है। ऐसे साहिल और डेल्सन को थाईलैंड की ट्रिप इसलिए सस्ती पड़ी, वो लोग ऐसे ही छोटी मोटी जगह से सब कीड़े मकोड़े सब खाया था। जिसको वेज नॉनवेज का प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। मैं नॉनवेज खाता हूँ, बट मैं सिर्फ चिकन ही खाता हूँ, इसलिए मेरे भी ऑप्शन बहुत कम है यहाँ पे। खैर थक जाते हैं यार जरा जरा से। नेक्स्ट स्टॉप हमारा है कासल, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है और इसके यहाँ ऊपर कैसे बना दिया इतना सारा यार, कहां से लाए सब सामान, कैसे बनाया क्या? गजब, बहुत ही गजब सुंदर बनाया यार। समझ नहीं आ रहा कैसे इतनी ऊपर, बहुत सुंदर है। कैमरा जस्टिस कर पा रहा है क्या? ये वाला स्पॉट इतना बड़ा है, कहाँ जा रहा है? ये बेचारे वेज वाले परेशान होकर घूमते रहते। खैर इतना बड़ा है ये वाला स्पॉट, फ्रेंच विलेज नाम है ये स्पॉट है इसको। नाइस 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 नाइस। ये कोई सा चर्च है यहाँ पे, बहुत ही कलरफुल। आई थिंक ये फ्रांस फ्रेंच कॉलोनी या फ्रेंच कॉलोनाइजेशन जहाँ भी होता है एकदम कलरफुल रहता है वो सारी जगह। नाइस। शॉप भी देखो, अब शॉप भी कितनी कलरफुल बना रखी, कितनी प्यारी बना रखी। खाली है भले ही, बट स्टिल कर 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 कर
अब यहाँ जाएंगे, यहाँ पे होटल्स भी है पता, अंग्रेज लोग यहाँ पे आके रुक रहे हैं, अमीर अंग्रेज लोग, पता नहीं कितने का होटल है बट यहाँ होटल भी है काफी। ये तो लैनिस्टर का झंडा है, ओ मेडिवल शहर गाइस, ये आदमी मरने वाला है। सिस्टम हैंग हो गया है, याद आ रही कि निक्की की, सिस्टम हैंग हो गया है गाइस। गाइस हमको लग रहा है ना कि हमको इन्फ्लुएंजा हो गया है यार, अपने को एयरपोर्ट पे पकड़ लिया तो कमेंट में बताना राहुल शुभमेल जी लग रहा है क्या। अरे उल्टी नहीं आएगी, आएगी वो देख कितना सारी है, एक बार वो देख, वो देख तो सही, ये जो घूमती क्यों फिर होती है, अरे टपक सकता है, चश्मा भी अंदर रख, चश्मा तो अंदर रखना। इसकी टाइमिंग है 6 बजे बंद हो जाता है, 6 बजे से पहले आके रख लेना, फ्री में ही है, कुछ पैसा नहीं लग रहा। जो आपने जो 900K का जो वो लिया था अभी एंट्री टिकट, उसी में ही ये भी कवर है। हाँ तो जरूरी थोड़ी है, तो सिंगल चलते राहुल को पीछे रखते हैं, अपने फोटो लेता रहता है। इसकी फट रही है गाइस, लुक लुक हो रही, लुक मेरे आंसू देखो गाइस, क्या दिखाई यहाँ कैमरे गाइस, मेरे आंसू आ गए, ये मर सकता आज ही। यहाँ से जाएंगे यूं 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 करके वहाँ पे, गाइस आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी फट रही है। राहुल को ये नहीं करने देंगे, हाँ राहुल को तो करने देंगे देंगे, खुद भी कर, हाँ क्या समझे ऋषि साहिल, अरे अकोमोडेटिंग है यार, तुम क्या समझोगे, देख कितने धीरे धीरे चला रही हो, अपन भी चला सकते हैं। चल बट जा राहुल, मैं तेरा वीडियो ले लूंगा। मोकलाहट फड़फड़ाहट फड़फड़ाहट इज फ्रॉम विलेज एरिया नो, कुछ तो ले रूल्स पूछ ले भाई, रिकॉर्ड कर ले तो एक्सेलरेटर, क्या 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 हुआ, हिजड़े मजा नहीं आया क्या तेरे को, मेरा सौरभ का पहली बार ऐसा रोलर कोस्टर था, और ये हम दोनों जैसे लोगों के लिए परफेक्ट था कि इसमें ज़्यादा कुछ फालने वाली चीज़ नहीं, दोस्त ने बोला करना है तो करना है यार, थोड़ी और आप इसमें क्या कंट्रोल आपके हाथ में रहता, तो तेज स्लो तेज आप खुद ही कर सकते हो, ऊपर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर खुद कैसे लेके जा रहे हैं, पर वो गुल्ली लगा हुआ था, बट वो कुछ कुछ एरिया में तो थे यार, अरे उसको मना हो ये ना, मुझे टेढ़ा बट इतने जाने लगाई थी, ये तो सही था कि यार हां चल गए तो टपकेंगे नहीं, बट ये तो मस्ट मस्ट डू, अगर आपको इन सब चीज से डर भी लगता है तो भी आप करना,
क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा डर्ट था नहीं, बट वो नज़ारा वगैरह वो मिलकर बहुत मस्त बना है, बहुत काफ़ी अच्छा था। और दूसरी बात, फ्री क्या, तुमको एक्स्ट्रा पैसे तो देने नहीं है क्यों? टिकट में है एक्स्ट्रा पैसा। अरे वो चला है गाड़ी का चला, कार नहीं आती इसलिए। अरे शेट चलाते ना फॉर द व्लॉग, रिकॉर्ड को लगे हाथ में रख के कर दो, आराम से निकाल सकते हैं वो जानबूझ के करते हैं ताकि तुम नहीं यार वहाँ पे मेरे को तो फट रही थी निकालने में, मतलब इसने वो जो ऊपर चार तो इसने ले लिया फोटो मिलेगा कब, वो कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। या आई थिंक लास्ट स्टॉप है ये करने वाले ऐसी है डैशिंग का, ऐसे दुबई में बम 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 बम। 32 साल के लौंडे जाने वाले डैशिंग का डिशू डिशू, बचपन में इतना एक्साइटमेंट रहता था इन सब चीज़ों का, अभी भी है इसी बात में, अभी भी उम्र तो थोड़ी जा सकते यार, मैं स्टूपिड बनाई रख दे मेरा भी इसलिए। क्या फ़ोन रख रहा है? फ़ोन अलाउड ही नहीं है। क्या बोल रहा? नो फोन। अरे वो तो फोन तो ले रहा था। हाँ फोन तो ले रहा था। कुछ हाउ वाज इट गाइस, हाउ वाज इट, मजा आया, हाउ वाज इट, मजा आ गया यार, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, पांडे नहीं रिलेट कर पाएगा, पांडे ने थोड़ी करा होगा बचपन में भी ये। फंड्स मनी माय पुअर फ्रेंड्स कैन डू, ये सब थोड़ी करेंगे तो यार, क्या क्या नहीं है यार इधर, क्या क्या नहीं है सेठ। 4,500-5,000 रुपये का ही टिकट है राइट, 4,500-5,000 रुपये का टिकट है ना, चार हज़ार में आपको केबल कार भी मिल गई, वो यूं करके आदमी जो खड़ा है उसके भी चल लिए, गार्डन भी देख लिया, रोलर कोस्टर भी कर लिया, ये अम्यूजमेंट पार्क भी फ्री है, काफ़ी वर्थ है वर्थ। और ऐसा भी नहीं कि हमको पूरा दिन लग गया, हम लोग काफ़ी लेट ही आए थे, 1 बजे तक पहुंच गए थे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग डर तो हमारा था ये, हमें डर था ये कि बंद ना हो या फिर बहुत धूप होगी, बट ऊपर आके क्या धूप वूप कुछ नहीं लगती, बहुत ठंडा रहता मस्त एकदम, मज़ा आया काफ़ी नाइस। पौधों को देख लो ज़रा सा भीग नहीं सकते, देखो इनको कैसा आ रहा है मिट्ठू, किस भी कर लो किस।